नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज का हम वीडियो लेके आए हैं, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के अंदर वैकेंसी आई है जिसकी डेट बढ़ा दी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो उस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस चीज़ की पोस्ट आई है, कितनी पोस्ट आई है, वो सारा कुछ आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है जिसके अंदर वैकेंसी आई है। तो इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूं। तो इससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप ये जानकारी पूरी चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक सुने, और कहाँ से आपको कैसे अप्लाई करना है वो सारा कुछ आप लोगों को मैं बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बता देता हूँ कि वैकेंसी किस चीज़ में। तो दोस्तों, जो वैकेंसी है वो अपनी है इस चीज़ में, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे अपनी वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अपन चलते हैं लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के बारे में, आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जब आप वेबसाइट खोलोगे लाला लाजपत राय की, LLRU अगर ये लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा कि आप कौन सा देखना चाहते हो, किस चीज़ के बारे में, जहाँ आपको अप्लाई करना है वो सारा कुछ आपको इस चीज़ इस टाइप का इंटरफेस आपको मिलेगा, वहाँ जाके देखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये टेंडर वगैरह दिखाया गया है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन टूडे या रिक्वायरमेंट अप्लाई, तो इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जब आप रिक्वायरमेंट पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट के बारे में बताएंगे कि कहाँ पे कितनी है। तो दोस्तों, जो अपनी है वो है पोस्ट वाइज डिटेल, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी कि किस पोस्ट की क्या डिटेल है, वो सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जाके आपको इस चीज़ का विजिट कर लेना है कि किस चीज़ के बारे में है। और एडवर्टाइजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों 1/2018, इसके अंदर अराउंड 90 के लगभग पोस्ट हैं जिसमें ITI कैंडिडेट्स भी मांगे हैं, ग्रेजुएशन भी है, और BTech वाले जो कैंडिडेट CS IT के हैं उन लोगों के लिए भी पोस्ट हैं, और जिन लोगों ने एनिमल अटेंडेंट का डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए खास तौर से 5 दिन का जो डिप्लोमा था एनिमल डिस्पेंसरी के अंदर, उन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है इस वैकेंसी के अंदर बहुत अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कहाँ जाके करना है, ये इसकी वेबसाइट है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ आता है, ये आ गया दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आके आप लोगों को नया रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप पहले से आप अगर रजिस्टर्ड कर चुके हो तो आपको यहाँ पे जाके रजिस्टर करना है, और अपने डिटेल वगैरह और यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डाल के, जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपके नंबर पे आ जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद पासवर्ड लगाने हैं और लॉगिन करना है, और आप अपना देख सकते हो। उसके बाद अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो इस चीज़ पे क्लिक करेंगे फॉरगेट पासवर्ड पे, और आपको यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बताते हैं जिन कैंडिडेट्स ने पहले अप्लाई नहीं किया है और जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनको क्या कुछ कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, उनको अप्लाई करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, एडवर्टाइजमेंट 1/2018 जो आपको यहाँ पे दी गई है। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन है जो आप लोगों को पढ़नी है, और क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर अच्छे से मिल जाएगी। एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप लोग एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो कि कहाँ पे आप लोगों को वो लिंक मिल जाएगा दोस्तों। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है और कितनी पोस्टों के लिए क्या कुछ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आई एग्री करना है, आप सारी कंडीशंस पढ़ लोगे, उसके बाद आप लोगों को एग्री करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपकी डिटेल मांगेगा, जैसे कैंडिडेट्स नेम मांगेगा, देन उसके बाद मांगेगा ये फादर नेम, और फादर नेम के बाद मदर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ। और दोस्तों, इसका एक है कि या तो आप इसको आधार कार्ड के साथ आप लोग अप्लाई कर सकते हो, या डायरेक्टली आप 10th के रोल नंबर के बेस पे भी कर सकते हो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस मांगा है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, देन उसके बाद मैं बात करूं तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मांगा है। इसमें ईमेल एड्रेस कंपलसरी नहीं है दोस्तों, तो अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है
तो आप बिना ईमेल आईडी के भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अंदर ईमेल कन्फर्म मांगा नहीं है, बट आपको मोबाइल नंबर अनिवार्य इस चीज़ के अंदर लगाने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डोमिशियल के बारे में, यहाँ पे आप किस स्टेट के हैं और किस स्टेट के आप लोग नहीं हैं, तो हरियाणा के हैं या अदर हरियाणा के हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये हरियाणा के अंदर है, हिसार के अंदर। उसके बाद जेंडर मांगा है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। उसके बाद आप एक्स सर्विसमैन हो नहीं हो ये, और उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर दोगे तो आपका परमानेंट एड्रेस है वो ही सेम एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद आपको किस चीज़ में जॉब चाहिए, तो जो पोस्ट हैं वो मैं आपको एक बार कंफर्म करा देता हूँ। एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट हैं दोस्तों, इसके अंदर एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट हैं, असिस्टेंट, एक मिनट, ये इस टाइप की आप लोगों को पोस्टें शो करेगी, कलर की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, जनरेटर ऑपरेटर की, लैब अटेंडेंट की, लैब टेक्नीशियन की, लैब टेक्नीशियन COD/ST, लेडी हॉस्टल वार्डन और मैसेंजर, रेडियोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, सुपरवाइजर, एनिमल अटेंडेंट, टेलीफोन अटेंडेंट, वेटनरी, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट, वेटनरी सरगुन और वाटर पंप ऑपरेटर सेकंड। तो इस टाइप की पोस्टें आप लोगों को मिलेगी जिस पे आप लोगों को अप्लाई करना है, और उसके बाद आपकी जो भी डिटेल होगी उसको आपको सेव कर देना है, और आपका फॉर्म इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, सबमिट हो जाएगा। ये छोटा सा इसका प्रोसेस है, इसके अंदर कोई फोटोज़ वगैरह अपलोड आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप लोगों को सिग्नेचर अपलोड करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा लिंक, कौन कौन सी पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें हैं, किसमें आईटी मांगी है, किसमें ग्रेजुएशन मांगी है, किसमें CS IT वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, और किसमें एनिमल डिस्पेंसरी का मांगा है, ये सारा कुछ आपको मैं बता दूंगा। और दोस्तों इसकी जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो अब चेंज करके इतनी कर दी गई है दोस्तों, तो वो जो डेट है वो मैं आपको बता दूँ कितनी की है। ये डेट है दोस्तों लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसिप्ट, आपको कब तक एप्लीकेशन जो है वो फिल करना है। लास्ट डेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लास्ट डेट इस चीज़ की ये है 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे आप डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हो, या आप डायरेक्टली कमेंट में कोई बात अगर आपको पूछनी हो तो आप डायरेक्टली कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।